वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन का फोर्थ टाइप, जो है रिटर्न टाइप विद आर्ग्यूमेंट। तो इसको डिस्कस कर लेते हैं हम एक बार डायग्रामेटिकली कि यहाँ पर हमारा एक मेन फंक्शन है। इस मेन फंक्शन से हमारा एग्जीक्यूशन शुरू होता है हर बार, और यही क्या करता है, हमारे यूज़र डिफाइंड फंक्शन को कॉल करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, विथ आर्ग्यूमेंट और रिटर्न टाइप, मतलब आर्ग्यूमेंट्स भी जाएंगी और रिटर्न टाइप मतलब वैल्यू रिटर्न भी होगी। तो जब मेन की हम बात करें तो मेन क्या करेगा, इसको कंट्रोल पास करेगा जैसे ही कॉल वाली लाइन आएगी जिसमें फंक्शन कॉल होगा, और साथ में उसको क्या करेगा, आर्ग्यूमेंट्स भी देगा। आर्ग्यूमेंट को हम यहाँ पर डेटा बोल सकते हैं। ठीक, फिर ये क्या करेगा, एग्जीक्यूशन परफॉर्म करेगा अपनी साइड पे, उन आर्ग्यूमेंट्स पे कुछ प्रोसेस परफॉर्म करेगा और कोई रिजल्ट जनरेट करेगा। ठीक है, और फिर क्या होगा, वो जो रिजल्ट इसने कैलकुलेट किया है उसको रिटर्न कर देगा, वो भी क्या होगा, हमारा डेटा, और साथ में जो कंट्रोल था वो भी रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिकली जो मेन फंक्शन है वो कंट्रोल तो पास कर ही रहा है, साथ में आर्ग्यूमेंट्स भी दे रहा है, और जो हमारा यूज़र डिफाइंड फंक्शन है ये कैलकुलेशन परफॉर्म करने के बाद वैल्यू रिटर्न कर रहा है, और जो कंट्रोल यहाँ से इसके पास आया था वापस मेन के पास जाना ही था तो कंट्रोल भी भेज देता है फिर से। तो हम अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, उससे हमें और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो इस एग्जाम्पल में हम वही सम नाम का फंक्शन ही लेंगे ताकि हमें सारी चीज़ें क्लियर होती रहें। दो हमने हेडर फाइल्स ले ली थी, ठीक है, दो हेडर फाइल्स लेने के बाद में यहाँ पर हमने क्या किया, वही हमारा सम नाम का फंक्शन बनाया, लेकिन इस बार वो कैसा है, रिटर्न टाइप मतलब इंट ले लिया। रिटर्न टाइप जब कुछ भी आएगा तो वॉइड को छोड़ के आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सो हमने इंट ले लिया, फंक्शन का नाम हमने रखा सम, और यहाँ पर हमने इंटीजर टाइप के दो वेरिएबल्स उसको एज अ आर्ग्यूमेंट दिए। तो हम चाहें तो यहाँ इसको इंट कॉमा इंट लिख दें सिर्फ तो भी चलेगा, या अगर कुछ नाम भी देना चाहें तो हम यहाँ दे सकते हैं इंट ए कॉमा इंट बी, यहाँ आपको सेमी कॉलन लगाना ही है, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। ठीक है, क्योंकि सेमी कॉलन ही डिनोट करेगा कि ये फंक्शन की सिर्फ डिक्लेरेशन है, ठीक है, डेफिनेशन नहीं। क्योंकि अगर सेमी कॉलन नहीं लगाया और यहाँ हमने सीधे वर्ड मेन लिख दिया तो इस लाइन में एरर आ जाएगी। क्लियर, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ हम बना रहे हैं अपना मेन फंक्शन। यदि आपको इस चैनल पे वीडियोस समझ में आती हैं तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, उससे हमें मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ हम राइट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं और हमारी टीचिंग मेथड सही है, एक फीडबैक भी मिलेगा। ठीक है, चलिए, और यदि कुछ नहीं भी समझ में आया हो तो आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। चलिए, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स भेजनी है, इसका मतलब आर्ग्यूमेंट्स की जो वैल्यूज़ हैं वो हमें मेन फंक्शन में ही रीड करवानी होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वेरिएबल्स ले लिए x, y और z। फिर क्या किया, हमने यूज़र से कह दिया कि कोई दो वैल्यूज़ वो एंटर कर दें। ठीक है, एंटर टू वैल्यूज़ क्यों ली, क्योंकि आर्ग्यूमेंट हमने दो ही दे रखे हैं, इसलिए हमने दो वैल्यूज़ लिए। यदि आर्ग्यूमेंट आप दो से ज़्यादा देते तो हम यहाँ दो से ज़्यादा वैल्यूज़ को भी रीड करवा सकते थे। ठीक है, सी इन करवाया हमने x को और y को। ठीक है, अब यहाँ पर हमने वैल्यू ले ली, कौन सी वैल्यूज़ जो हमें एज अ आर्ग्यूमेंट पास करवानी है। अब फाइनली हम अपने फंक्शन को कॉल करवा सकते हैं, और ये जो वैल्यूज़ हमने ली थी वो उसमें पास करवा दी। पर अब क्या होगा, ये भी कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा, तो वैल्यू रिटर्न करने के लिए यहाँ पर भी कोई वेरिएबल होना चाहिए, तो हमने z नाम का वेरिएबल ले लिया, और ये जो वेरिएबल में वैल्यू आई है अब हमें उसको प्रिंट भी करवानी होगी।
तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं सी आउट सम इज इक्वल्स टू जेड एंड देन गेट सी एच। ठीक है, ये तो था हमारा मेन फंक्शन। अब ये जो फंक्शन हमने डिक्लेयर किया था उसको डिफाइन भी करना पड़ेगा हमें, तो हम यहाँ लिख दें int sum, सेम नाम भी रख सकते हो अलग भी कर सकते हो, आपके ऊपर है। ठीक है, बस अब ध्यान ये रखना है कि यहाँ सेमी कॉलन नहीं आएगा गाइस। क्यों? क्योंकि सेमी कॉलन सिर्फ डिक्लेरेशन में लगता है, डेफिनेशन में नहीं। ओके, तो यहाँ पर आए हम, हमारे पास वैल्यू तो आ ही चुकी थी, मतलब हमको रीड कुछ भी नहीं करवाना है, सीधे हमको क्या करनी है, प्रोसेस परफॉर्म करनी है, इस पर एग्जीक्यूशन करना है। तो अगर हम चाहें तो एक वेरिएबल ले लें, यहाँ पर सी नाम का ले लिया या किसी भी नाम का, और फिर क्या करें, इस सी में ये जो दो वैल्यूज आई थी उसको ऐड करवा दिया और ये वैल्यू जो थी उसको रिटर्न करवा दिया। ठीक है, तो अब इसको फिर से देख लेते हैं। एग्जीक्यूशन शुरू होगा मेन फंक्शन से, तीन वेरिएबल्स डिक्लेयर हुआ है, दो वैल्यूज रीड कर ली, ठीक है, और वो दोनों वैल्यूज जो रीड की थी वो एज अ आर्ग्यूमेंट इस फंक्शन को पास करवा दी। जैसे ही एग्जीक्यूशन यहाँ आया तो दोनों वैल्यूज जो थी एक्स और वाई की जो भी वैल्यू थी वो ए और बी में मैप हो गई। मतलब अगर हमने यहाँ 10 और यहाँ 20 दिया था तो अब 10 किस में आ गया, ए में, और 20 आ गया हमारा बी के अंदर। ठीक है, फिर एक सी नाम का वेरिएबल लिया और ए प्लस बी को सी में डाल दिया और सी को हमने रिटर्न करवा दिया। यदि हम चाहते तो हम डायरेक्टली रिटर्न लिखने के बाद ब्रैकेट में ए प्लस बी भी लिख सकते थे। ठीक है, और अब इसने जो वैल्यू रिटर्न की है वो वैल्यू किसी वेरिएबल में होल्ड होना चाहिए, तो यहाँ हमने जेड में कैप्चर करवा ली। एंड देन क्योंकि अब सम जो था फाइनल वैल्यू वो जेड में थी, अब हमें यूज़र को वापस इन्फॉर्म भी करना है कि सम क्या आया, तो हमने सी आउट करके सम इज इक्वल्स टू जेड लिख दिया एंड देन हमारा प्रोग्राम क्लोज। तो आई थिंक अभी तक के जो प्रीवियस तीन वीडियोस और ये फोर्थ वीडियो था, इसमें आप सभी को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि यूज़र डिफाइंड फंक्शन के फोर टाइप्स कौन कौन से होते हैं और कैसे उसमें कंट्रोल और डेटा ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, तो यदि आपको सच में चीज़ें क्लियर हुई हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि हाँ हमें चीज़ें समझ में आ रही हैं। थैंक यू।